आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊँ मैं हर गम भूल जाऊँ, तेरा जलवा जो पाऊँ मैं हर गम भूल जाऊँ। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते, ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं, पर आया हूँ यहाँ मैं। तेरा जलवा जो पाऊँ मैं हर गम भूल जाऊँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज माँ जी बाबा शाह फरीद सरकार के दरबार आई हुई हैं। ये दरबार लाहौर में है और बहुत ही मशहूर और मरूफ दरबार है। हज़ारों करोड़ों लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ही उन मन्नतों को पूरे करते हैं, और हज़ारों लोग अपनी मुरादें पूरी करके झोली भरकर यहाँ से जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उर्स के मौके पर भी हज़ारों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और बेइंतहा रश होता है। आज माँ जी ने खुशी तौर पर यहाँ आने का फ़ैसला किया, यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आईं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त माँ जी दरबार के अहाते में दाखिल हो रही हैं। और ये दरबार का बैरूनी मेन दरवाज़ा है जहाँ लिखा है दरबार अली हज़रत बाबा शाह फरीद सरकार। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा ये दरबार है। और ख़ास तौर पर जब हम वहाँ गए तो ये देखे यहाँ के जो खादम हैं, शुरू से जो खादम हैं, उनका आगे पोता, उनका बेटे के बेटे का बेटा, ये यहाँ पर ये भी खिदमत गुज़ार है, यहाँ पर अभी भी खिदमत सर अंजाम देता है। स्कूल में पढ़ने के बाद जब उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो यहाँ आता है और दरबार की खिदमत करने में अपना टाइम गुजारता है। और अब भी ये मेहनत से दरबार में जो दिए हैं उनको अच्छा कर रहा है, उनको उनकी सफाई कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कैसे अच्छे वालदैन हैं इसके, कैसी अच्छी तरबियत है उनकी कि उन्होंने शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी कि ऐसी रूहानी शख्सियात की कैसे खिदमत करनी है, उनके दरबारों की कैसे हिफाजत और सफाई का ख्याल रखना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी तवज्जो से, कितने प्यार से ये बच्चा अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और माँ जी भी खुशी से इसे देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और दिली दिल में बच्चे को बहुत सारी दुआएं दे रही हैं कि बच्चा कितनी मेहनत, लगन और तवज्जो से अपना काम कर रहा है। उम्मीद है कि हम भी अपने बच्चों को ऐसी कुछ तरबियत दें, बाहि ना सही लेकिन हम घरों में जो अपने बड़े हैं उनको, उनकी खिदमत करने के लिए अपने बच्चों को तरबियत दें कि हम अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें। अल्लाह ताला सबके वालदैन, सबके बुज़ुर्ग ज़िंदा सलामत रहें। और अब हम देख रहे हैं दरबार के अंदर हज़रत सैयद शाह फरीद सरकार का मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं इस वक्त। उनके गद्दी नशीन बाबा खादम हुसैन, ये उनका मज़ार है जो उनके गद्दी नशीन थे। उसके बाद दूसरे गद्दी नशीन बाबा अकबर अली, ये उनका मज़ार है आप देख सकते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना माशाल्लाह माशाल्लाह आँखों को बहाने वाला, इतना कलरफुल दरबार माशाल्लाह। ऐसे जैसे रौनक लगी हुई है, ऐसे 24 घंटे ऐसे लग रहा है जैसे 24 घंटे यहाँ रौनक ही लगी रहती है। माँ जी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और दरबार में दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस वक्त एक शख्स जो यहाँ के परमानेंट खादम भी हैं जी, दोस्तों अभी यहाँ के खादम एक कलाम पढ़ रहे हैं, आइए सुनते हैं। दिल मदीना है
ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਬਾਪ
नजरे करम दी कर दे मैं तेरे बुवे ने बिच पैरिया मनन वालियां सैया बाबा दे बूवे बैसियां शाह फरीद दियां धुम्मां जमाने बिच पैरिया शाह फरीद बाबा वे कोना किड्डा प्यारा जे पैदे तो लैके ते जांदा जग सारा कुछ दे दे मैं तेरे बूवे बैरियां मैनू भी पीरा कुछ दे दे मैं तेरे बूवे बैरियां शाह फरीद दियां धुम्मां जमाने बिच पैरियां। जी दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मजार शरीफ के बाहर का एरिया। ये भी एरिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह क्लीन, साफ़ सुथरा और अच्छी तरह सजाया गया है। इसको भी माशाल्लाह अकीदतमंद चाहने वाले इनके भी हज़ारों करोड़ों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं इनको कितना ख़ास ख्याल रखा गया है दरबार शरीफ का। कहाँ वो बादशाह गए, कहाँ गए वो बादशाह, उन बादशाहों का कोई ख्याल नहीं रखता। और ये देखें, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये रूहानी शख्सियात इनका ख्याल रखने वाले आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और वो बादशाह जो अपने को बहुत अमीर और क्या कुछ समझते थे, उनका ख्याल रखने वाला आज कोई भी नहीं है। इसी के साथ वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।